हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। रिलायंस पावर शेयर के बारे में बात करेंगे। 9.75 करेंट प्राइस है। लास्ट सेशन में 4.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका उस दिन का हाई है 9.75 ही, उसी पर क्लोजिंग दी है। लो है 9.55। फ्रेंड्स, शेयर पे CIRP हो रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। 52 वीक हाई है 18.82 एंड लो है 7.60 का। 5% का बैंड है सेबी की तरफ से। टर्नओवर है 48 लाख का। मार्केट कैप है 246 करोड़ का। फंडामेंटल्स की अगर बात करें, EPS नेगेटिव है -13, PE है -0.72, ROE है 3.83। 28 अप्रैल को एक न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, CIRP अपडेट, आउटकम ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो फ्रेंड्स, इनकी 42 मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हुई है 28 अप्रैल को एट 12 PM इन मुंबई। और उसका एक जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है, अभी बहुत सारी मीटिंग्स चलेंगी, तो नॉर्मल सा प्रोसीजर है, अप्रेस किया गया कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, वही सारी इन्फॉर्मेशन है। बट आपको पता होना चाहिए, शेयर पे CIRP चल रहा है और इनकी 42 मीटिंग हो चुकी है। ऐसे शेयर रिस्की होते हैं, तो जो भी कोई न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपडेट ज़रूर पता होना चाहिए। 77 करोड़ का लॉस है दिसंबर क्वार्टर का। सितंबर का है 25 करोड़ का लॉस। लॉस भी क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग है शेयर की बहुत कम, 0.88% एंड पब्लिक है 98% के आसपास। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड CIRP चल रहा है। CIRP की 42nd मीटिंग हो चुकी है, तो ऐसे शेयर रिस्की होते हैं। अभी तो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है, बट बीच बीच में ट्रेडिंग भी बंद हो सकती है। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो न्यू अपडेट था मैंने आपको दे दिया। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको बस बेल बटन को प्रेस करके रख देना है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट अपडेट आएगा तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। थैंक यू।